हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 7 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पर हम लोग कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर, जो कि आपके ना सिर्फ एग्जाम में, आपके लाइफ में भी जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू एड ऑन करते हैं। आप अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, डजंट मैटर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सेशन आपको रेगुलर देखना चाहिए, बिकॉज आपको डे टू डे लाइफ के अंदर देश में, दुनिया में क्या चल रहा है, आपके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन से ऐसी बिग अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि आने वाली है आपके इंडस्ट्री के अंदर है, साथ में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीलिम्स या फिर मेंस के अंदर, ये सब है जो कि हम लोग इस 40 से 45 मिनट के सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते होंगे, सो दैट उनको भी जो है एक अच्छी नॉलेज है जो कि मिल सके और वो भी लाइफ में आगे ग्रो कर सके। ऑलराइट, तो 7 बज चुके हैं मेरे ख्याल से, आज बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे क्लास स्टार्ट हुई है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे क्लास स्टार्ट करें। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आज है 8th of September और आज हम लोग हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि कवर करने वाले हैं। तो आज के जो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, उनमें से हम लोग कितने आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं, दैनिक दुबे से 7 ऐसे न्यूज़ और आर्टिकल्स है जो कि हम लोग कवर करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से 2 है, जनसत्ता से 0 है और पीआईबी पीआरएस से दोस्तों 2 आर्टिकल्स है जो कि हम लोग देखेंगे। गुड मॉर्निंग इंद्र कुमार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सबसे पहले तो कल के क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। कल मैंने कुछ आपको बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है जो कि दिए थे करने के लिए। जाने से पहले, जैसे कि मैंने आपसे ट्रस के बारे में पूछा था कि कौन से देश के नए प्रधानमंत्री है जो कि बनी है, तो सभी को मालूम ही है ना, यूके की अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री है ऋषि सोनक को जो है ये हरा के बनी है, कंजर्वेटिव पार्टी से है। नेक्स्ट है मैस्कॉट 36 नेशनल गेम जो कि गुजरात में करवाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैस्कॉट किसको बनाया गया है, सावजी है दोस्तों जो कि बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहला कंट्री जिसने निडल फ्री COVID-19 वैक्सीन है जो कि बनाई है, तो हम लोग कल बात कर रहे थे वैक्सीन के बारे में, नेजल वैक्सीन के बारे में, तो मैंने कल आपको बताया था कि चाइना ने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनाई है, इसके बारे में थोड़ी और बात भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट स्काई सेंचुरी कौन से स्टेट और यूटी में सेटअप करी गई है एस्ट्रोनॉमिकल चीजों को देखने के लिए, वहां पे टूरिज्म भी है ना, एस्ट्रो टूरिज्म भी जो है वो बिल्ड किया जाएगा, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लद्दाख के अंदर जो कि बनाया जा रहा है, बिकॉज लाइट होती नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट 0 होती है, तो आपको नाइट स्काई बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आता है। कौन सा हाईकोर्ट ने प्रोहिबिट किया है चेंज या फिर क्योर जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ LGBTQ कम्युनिटी के लिए बोलते हैं करने के लिए, है ना, तो देखिए क्योर और चेंज जो है ये पॉसिबल नहीं है, मतलब और ऐसा कई लोग है जो कि करते हैं, फेक प्रोमिसेस करते हैं, तो इसको बैन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है, प्रोहिबिट कर दिया है कोई भी अटैम्प्ट। इसके अलावा क्लास 24 पे रीजनिंग का बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है, तो आप दीपक सर का बैच को ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 24 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और अगर आप EORO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए योद्धा बैच लॉन्च किया गया है, राजस्थान का एग्जाम है, तो आप इसको भी क्लास 24 पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज का कोट ऑफ द डे देखते हैं दोस्तों, डू नॉट फील एम्बैरेस्ड बाय योर फेलियर, लर्न फ्रॉम देम एंड मूव फॉरवर्ड। एक बहुत अच्छी बात है जो कि यहाँ पे वर्जिन एयरलाइंस के जो मालिक हैं, जो ब्रांसन है, उनके द्वारा दोस्तों बोली गई है कि आपको जिंदगी में अपने फेलियर को लेकर कभी एम्बैरेस नहीं होना चाहिए, है ना, उनसे सीखो और वापस से शुरुआत करो। देखो, हम लोग लाइफ के अंदर बहुत सारी गलतियां करते हैं, गलती सबसे होती है यार, वी आर एंड ऑफ द डे ह्यूमन बींग, लेकिन उन गलतियों से हम लोग कितना सीखते हैं और उनको क्या हम लोग वापस से नहीं करने को रेडी है कि नहीं है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। आप स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, हम लोग हमारी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ हम कोशिश करते हैं कि यार जो पहले गलती करी है उसको रिपीट ना करें, है ना। तो होपफुली आप इस बात का ध्यान रखिए, गलतियां होती है, उसको एक्सेप्ट करो, गलती को उसको मानो, उससे सीखो और आगे बढ़ो, जो है तभी जाके सक्सेस है जो कि मिलती है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे दैनिक के सबसे पहले फ्रंट पेज पे, यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी और आप देख सकते हैं सारे पार्टी लीडर्स हैं, इन्होंने भारत यात्रा है जो कि स्टार्ट कर रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3,500 किलोमीटर से भी ज्यादा का पैदल यात्रा है जो कि कर रहे हैं, भारत को जोड़ने के इनिशिएटिव जो है इन्होंने स्टार्ट किया है, और इसके अंदर 2 या 2.5 महीने की यात्रा है टोटल, जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है वो कवर किया जाएगा, ठीक है गाइस। इसके अलावा तो और कुछ तो खास इसके अंदर है नहीं, यहाँ पे जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, उन्होंने भी जो नेशनल फ्लैग है जो कि यहाँ पे राहुल गांधी को हैंड ओवर किया। वेडनेसडे से इसकी शुरुआत है जो कि करी जा रही है, डेली दिन के अंदर 20-30 किलोमीटर पैदल है जो कि चलेंगे सुबह और शाम के टाइम पे, है ना, मेकशिफ्ट जो है वो घर होंगे, 100 लोगों के आसपास की पूरी की पूरी टीम है जो कि पैदल यात्रा करने वाली है। यहाँ पे 2 थिंक टैंक है जिनके ऊपर अभी IT की रेड है जो कि पड़ी है, वो यहाँ पे बताया गया है, कुछ NGOs है और एक साथ में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है चाणक्यपुरी के अंदर, और एक ऑक्सिम इंडिया का ऑफिस है ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर,
वहां पर किया गया है, ठीक है। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली और ढाका के बीच में गंगा पैनल को लेकर बातचीत हो रही है। इंडिया बांग्लादेश इशू मैंने कल ही अच्छे तरीके से आपको कवर करवाया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे जॉब और ग्रोथ की जो है वो ग्रोथ ये की प्रायोरिटीज है जो कि बोली गई है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। उन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन जो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केजरीवाल जी ने भी दोस्तों मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन है जो कि हरियाणा में लॉन्च किया है, समझ गए। इसके अलावा यहाँ पर कर्तव्य पथ है जो कि नाम दे दिया गया राजपथ का, जो कि किसी जमाने में किंग्स वे उसका नाम है जो कि आजादी से पहले हुआ करता था। तो ये आपका फ्रंट पेज है। एक आईएम ड्रॉप आउट दिल्ली में ड्रग केस में पकड़े गए और ये न्यूट्रिशन स्कैम को लेकर बोला गया है जो कि एमपी के अंदर अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो ये पूरा फ्रंट पेज है। इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डिस्कशन करने योग्य कुछ इंपॉर्टेंट हो, है ना। आगे बात करते हैं, ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि जीविका प्रोग्राम को लेकर है। ये जीविका प्रोग्राम क्या है? देखो, आपको मालूम है कि कुछ राज्य हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो कि ड्राई स्टेट माने जाते हैं, वहां पे अल्कोहल नहीं मिलती है। पीछे से मिलती है इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली आपको नहीं मिलती है, है ना। जिसमें से दोस्तों बिहार एक है। बिहार हो गया, नागालैंड हो गया, आपका गुजरात हो गया, ये सब ड्राई स्टेट है जो कि माने जाते हैं। अब रिसेंटली क्या होता है, लेकिन आपको मालूम है कि जो कच्ची अल्कोहल जो है ना लोकली लोकल प्रोटेक्शन है जो कि कई सारे लोग करते हैं उसके, है ना, और लोगों को बांटते भी, और जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि उसके अंदर स्पिरिट का कंटेंट ज़्यादा होता है, कोई भी इधर उधर अगर इंग्रेडिएंट हुआ तो कई लोगों की डेथ हो जाती है, ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले। तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव किया है, जो ऐसी लिकर की बॉटल जो कि पकड़ी जाती है तो एक्साइज डिपार्टमेंट क्या करता है, किसी भी राज्य के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करता है। वो रखते हैं रोड के ऊपर और उसको रोलर उसके ऊपर चलवा देते हैं। ऐसा नॉर्मली प्रैक्टिस है जो कि हर स्टेट में होती है, है ना। और गुजरात भी, गुजरात हुआ चाहे बिहार हुआ, सब लोग ऐसे करते हैं, लेकिन बिहार ने एक नया इनिशिएटिव अपनाया है। ये ऐसी सारी के सारी जो बॉटल जो इनको मिलती है सीज करते हैं पुलिस वाले, उसके बाद डिस्ट्रॉय करते हैं। उसको डिस्ट्रॉय ना करने के बजाय ये लोग क्या करेंगे, इन बॉटल को एक प्लांट में लेके जाएंगे और जो बैंगल्स होते हैं, जो आपकी बैंगल्स होती है ना, उसको बनाने में इस बॉटल को काम में लिया जाएगा, समझ गए। ये बात बोली गई है, हालांकि ये नहीं बताया गया कि अंदर का अल्कोहल का इसका क्या होगा, ठीक है। अल्कोहल पी के बैंगल्स बनेंगे क्या, या अल्कोहल ढोल के बैंगल्स बनेंगे? जोक सपाट, वो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, है ना। अल्कोहल के अंदर क्या होगा, वो तो ऑब्वियसली खाली करके ही उसको काम में लिया जाएगा। ओके, तो ये जीविका प्रोग्राम है जिसको वर्ल्ड बैंक भी फंड कर रहा है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, रूरल सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि एक्चुअली करा क्या जा रहा है, अभी लास्ट टाइम है ना, लास्ट मंथ में नियर बाय 400,000 लीटर जो है ना लिकर की वो सीज करी गई थी और 30,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है इलीगल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अल्कोहल के। 30,000 लोग, मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा लोग है पिछले मंथ के अंदर ही। तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस बार क्या किया है कि ये लोग एक ब्रूवेरी जो है ना ड्रोन भी यूज कर रहे हैं, ड्रोन से भी पता कर रहे हैं कि कहां कहां पर गलत दारू है जो कि बन रही है। साथ में एक फोर्स भी बनाई है इन्होंने, एंटी लिकर टास्क फोर्स का भी फॉर्मेशन किया गया, जहां पे चॉपर्स भी है, पुलिस वाले भी है उसके अंदर। ओके, और पहले तो क्या हुआ करता था कि 2016 के एक्ट के हिसाब से जो है ना इनमें से काफी लोगों को जेल भी हो जाया करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो जेल भी इतनी ज्यादा भर गई है ना कि जेल इन्होंने अपने लॉ भी चेंज किया। अब ये बोला है कि कोई भी लोग पकड़े जाएंगे तो 2,000 या 5,000 रुपए का फाइन है जो कि देना पड़ेगा, फाइन नहीं दोगे तो फिर आपको जेल में डालना पड़ेगा। तो 2 या 5,000 रुपए तो बहुत ही कॉमन सी बात है, मतलब कोई भी देके निकल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम का जो ऑफेंडर है ना उसको 2 या 5,000 रुपए का यहाँ पे फाइन है जो कि मजिस्ट्रेट ऑफिस में देना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, समझ गए। इसमें चेंज किया गया, अगर फिर भी पे नहीं करेगा तो 1 मंथ की जेल है जो कि देने के लिए बोला गया है। अब इस प्रोग्राम का नाम है जीविका प्रोग्राम, रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम, समझ गए। 2016 के अंदर कई सारी बॉटल्स पकड़ी गई, उसके बाद ही ये इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है। इसके अंदर पटना में एक फैक्ट्री भी बनाई जा रही है जहां पे बैंगल्स बनाए जाएंगे, जहां पे वुमेन को ट्रेन किया जाएगा, महिलाओं को भी नौकरी मिलेगी और उनके जीविका नाम का मतलब क्या हुआ कि आपका जो लाइवलीहुड है उसको सपोर्ट किया जाएगा। इसी के तहत दोस्तों इसको किया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है जो कि सेटअप करने के लिए बोला गया है। पटना में ट्रेन करेंगे महिलाओं को लाइवलीहुड प्रोग्राम के तहत और जिसका नाम है जीविका। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, समझ गए। और कई सारे बिजनेसमैन, कई सारे लोग एक्टिविस्ट इसको लेकर तो रहे, स्केप्टिकल भी है। स्केप्टिकल का मतलब होता है जब आप संदेह करते हो किसी चीज के ऊपर। इनके द्वारा बोला गया कि ऐसे प्रोग्राम पहले भी बहुत बार लॉन्च हुए हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। इनके द्वारा बोला गया कि पहले भी महाराष्ट्र में भी कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, लोगों ने 2-4 बार फोटो खिंचवाई, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला उस प्रोग्राम का क्या हुआ। तो कोई भी प्रोग्राम का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं गवर्नेंस की, तो वो जरूरी होता है। अगर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होता है तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऑलराइट, इसके अलावा हमेशा 2 तरीके के तर्क और वितर्क है जो कि इसमें चलते हैं, आर्गुमेंट है और जो कि इसमें चलते हैं अल्कोहल के अंदर, कि एक तो क्या बैन करना सही है,
इसको बैन करने सही को जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके उनके पॉइंट्स होते हैं कि गांधी जी ने भी बोला है कि अल्कोहल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, दूसरा इससे डोमेस्टिक वायलेंस कम होती है, तीसरा लोग कम अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, है ना, चौथा अगर अल्कोहल कंजप्शन कम होगा मिलेगा ही नहीं तो उनके छोड़ने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये चार मेजर पॉइंट है जो कि सपोर्ट करते हैं अल्कोहल बैन को। दूसरी तरफ जो सपोर्ट नहीं करते उनके तर्क हैं कि सबसे पहले तो राइट टू चॉइस, किसको क्या पीना है किसको क्या नहीं पीना है ये सबका अपना राइट होना चाहिए। दूसरा उनका कहना है कि सरकार को इससे बहुत लॉस होता है, 1,00,000 करोड़ रुपए का टैक्स है जो कि इकट्ठा होता है और 35,00,000 लोगों को रोजगार भी मिलता है, उनका ये भी कहना है। तीसरा कहना है कि हमें अवेयरनेस के ऊपर काम करना चाहिए रेदर की किसी भी चीज़ को सप्रेस करने को लेकर, क्योंकि कई सारे ऐसे डाटा में भी बताया गया कि जब आप सप्रेस करते हो तो वहाँ पे अल्कोहल का कंजप्शन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा होता है, लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद में इस तरीके की लोकल लिकर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लोगों की डेथ ज़्यादा होती है। तो ये दोनों के आर्ग्यूमेंट और फेवर के अंदर मैंने आपको सारे पॉइंट है जो कि बता दिए, बाकी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, है ना। एट प्रेजेंट के अंदर गुजरात, बिहार, नागालैंड और मिजोरम, ये चार ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बैन किया गया। पार्शली दोस्तों लक्षद्वीप और मणिपुर के अंदर भी किए गए हैं, कुछ राज्यों ने कोशिश करी, हरियाणा, तमिलनाडु ने, केरला ने, लेकिन वो बैन नहीं कर पाए। उसके बाद में जब ये बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव हुआ तो उन्होंने इसको हटा दिया। आर्टिकल 47 हमारे संविधान के आर्टिकल 47 जो है उसमें भी ये बोला गया है DPSP के अंदर पार्ट 4 के अंदर कि स्टेट को ऐसे मेजर लेने चाहिए ताकि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन लोगों में बढ़े, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और पब्लिक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो। अगर आपको न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना है तो अल्कोहल में तो कोई न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, समझ गए। तो आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोग क्या करें, ड्रिंक्स को जो है वो फेवर ना करें, ड्रग को यूज ना करें जो कि आपकी बॉडी में बहुत इंजीरियस है। आपकी बॉडी जो है वो एक्चुअली दोस्तों ब्लड को आपका, है ना, लिवर जो है, किडनी जो है, ये आपकी फिल्ट्रेशन के लिए जो लिवर बनाए ना ये ब्लड को करता है फिल्टर। अब आप इसमें अल्कोहल दे दोगे और बोलोगे फिल्टर कर तो वो बेचारा कब तक करेगा, एक मोमेंट आएगा जब लिवर हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा आप मेरे बस की बात नहीं है, तब आपका लिवर खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अल्कोहल के अंदर मेजरली यही होता है, समझ गए। चलिए ये देखिए हरियाणा में ने 1998 तक किया, बिहार तो अभी भी चल रहा है, गुजरात भी चल रहा है और गुजरात से बहुत सारे टूरिस्ट जो उदयपुर और जो इस वाले एरिया में राजस्थान में आते हैं वो इसलिए आते हैं ओपनली एकदम पार्टी वार्टी करने के लिए। यहाँ पर भी दोस्तों कई बार ऐसे लॉज है जो कि लाए गए लेकिन सब लोगों ने जो है बाद में उसको हटा दिया क्योंकि कोई इफेक्टिवनेस नहीं हुई। मणिपुर ने कम्प्लीटली बैन कर रखा है, मिजोरम ने कर रखा है, नागालैंड ने कर रखा है, मणिपुर ने नहीं कर रखा, 1991 में किया था और उसके बाद में हटा दिया, मिजोरम और नागालैंड इन्होंने भी कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले कंटेंट के मॉडर्नाइजेशन को लेकर बात हो रही थी विकिपीडिया को लेकर, इसके ऊपर एक सेपरेटली हम लोग कोई वीडियो करेंगे, थोड़ा बड़ा इश्यू है। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, है ना, इनके बारे में बात करेंगे, नंबर्स किस चीज को लेकर है। देखो आने वाले दिनों के अंदर जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ना ये भी बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन का मार्केट है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, देखो इन्वायरमेंट क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो जो कोई भी काम करेगा, अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर आप अपनी स्किल इंप्रूव कर रहे हो कोई काम में जिसमें क्लाइमेट में एयर क्वालिटी में अगर कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस है, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके ग्रोथ होने के चांस बहुत ज्यादा है क्योंकि आज भी हमारे देश में 1,00,000 लोगों की ऐसी जरूरत है आने वाले 5 सालों के अंदर जो जिनको एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पता हो। तो ये रिपोर्ट है जिसमें पब्लिश करी गई है, 50,000 जॉब है जो कि आज राइट नाउ भी क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। तो आई फॉरेस्ट करके एक रिपोर्ट है जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ में ये डाटा है जो कि दिया गया है, इसमें बताया गया कि कैसे हमारे सिटी, स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ सब जगह पे जो आपके एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी जरूरत है, ये डाटा उसको बोलता है। यहाँ पे हमारे देश में बात बात पर एंटीबायोटिक्स लोग ले लेते हैं, आपको मालूम है ना, आंटी को कोई भी सिरदर्द हुआ आंटी ने ले ली एंटीबायोटिक्स, फिर किससे पूछे। वायरल डिजीज में भी लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, उनको लगता है कि बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स आपके बैक्टीरियल डिजीजेज में काम आती है, वायरल डिजीज में कैसे काम आएगी, वायरस का और बैक्टीरिया का ये बैक्टीरियल का क्या लेना दे रहा है, लोग ले लेते हैं। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे 47% जो एंटीबायोटिक जो हमारे इंडिया में यूज होती है प्राइवेट सेक्टर में उनको अप्रूव ही नहीं किया गया है सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के द्वारा। तो ये लैंसेट की रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है। 7.6% जो टैबलेट कंज्यूम होती है इंडिया के अंदर, है ना, अजीथ्रोमाइसिन करके 500 mg की टैबलेट मोस्ट कंज्यूम्ड एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि बताई गई है। 7.6% टोटली अजीथ्रोमाइसिन करके एक टैबलेट आती है ना, वो काम में ली जाती है 500 mg वाली।
और डेली डोज की बात करें तो डेली डोज भी बहुत खतरनाक है यार। 2019 में 5,000 मिलियन ओके, जिसमें से यूज कर गई टोटल ड्रग्स यूज कर गई, गोलियां यूज कर गई, जिसमें से 2,400 मिलियन तो अनअप्रूव थी। मतलब तो ये देखा करो कि कोई भी ड्रग अगर ले रहे हो तो वो भैया अप्रूव्ड है कि नहीं, ये बस लिए जा रहे हो। यहाँ पे बात करी गई है क्वालिटी ऑफ द स्कूल को लेकर, तो यहाँ पे रिसेंटली मोदी जी को लेटर लिखा, केजरीवाल जी ने बोला कि 10 लाख से भी ज्यादा सरकारी स्कूल है, उसमें आप 14,000 स्कूल बना रहे हो तो समुद्र में एक बूंद गिराने जैसा है ना। तो पीएम श्री योजना को लेकर यहाँ पे बताया गया है, सोमालिया को $1 बिलियन की दोस्तों अर्जेंट हेल्प है, जो कि यूएन ह्यूमैनिटेरियन चीफ मार्टिन के द्वारा दोस्तों प्रिडिक्ट है, जो कि करी गई है। अभी फेमाइन की सिचुएशन आपको सोमालिया के अंदर अफ्रीका में देखने को मिलेगी, समझ गए मेरी बात। तो बहुत बड़ा ड्रॉट है जो कि यहाँ पे आया हुआ है, 70 लाख लोगों को अर्जेंट हेल्प है जो कि चाहिए, ऐसा यहाँ पे यूएन के ह्यूमैनिटेरियन जो चीफ है मार्टिन उनके द्वारा बोला गया। यहाँ पे बेंगलुरु के अंदर फ्लड से 300 करोड़ का नुकसान है, जो कि अभी तक मतलब 300 करोड़ रुपए कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं ताकि चीजों को मैनेज किया जा सके, है ना। अभी बहुत ज्यादा पानी है जो कि सब जगह पे भर चुका है। यहाँ पे इसी योजना के बारे में अभी हमने कुछ दिन पहले भी बात करी थी, अभी वापस से बात करेंगे, क्योंकि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने काफी डाटा है जो कि बताया है पीएम श्री योजना को लेकर। पीएम श्री योजना के अंदर पूरा नाम क्या है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है पीएम श्री की। देखो पहले के टाइम पे है ना, पहले के सरकारों ने केवी स्कूल बनाए, केंद्रीय विद्यालय है ना, बहुत अच्छे स्कूल है, नवोदय विद्यालय बनाए, सेंट्रल के द्वारा ये स्पॉन्सर करे जाते हैं। उसी तर्ज पे दोस्तों पीएम श्री स्कूल भी बनाए जाएंगे। पीएम श्री कोई नए स्कूल नहीं बनाए जा रहे, है ना, पीएम श्री के अंदर हो सकता है केवी और नवोदय को ही भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए, या कोई भी सरकारी स्कूल स्टेट का सेंट्रल का कोई भी जो है उसको पिक करके, अगर वहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है, अगर वो स्कूल प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प है जो कि पीएम श्री योजना के द्वारा दी जा सकती है, समझ गए। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बोला गया उन सभी स्कूल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये वाली, 27,360 करोड़ रुपए का बजट है, और इसमें सेंट्रल का जो शेयर होगा वो 18,000 करोड़ का होगा आने वाले 5 साल के लिए, 2022 से लेकर 2026 तक का, जिसमें 14,500 स्कूल को जो है ट्रांसफॉर्म है जो कि किया जाएगा, समझ गए मेरी बात। ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु ने अपने आप को एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारी लोकल लैंग्वेज में को प्रमोट नहीं किया जा रहा है इसके अंदर। कुछ कुछ राज्यों के अपने अपने इश्यूज होते हैं, वो अलग कहानी है, लेकिन आपको ये नंबर्स ध्यान रखने हैं, एक तो कितना बजट है, कितना ड्यूरेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, 2 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफर करे जाएंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, ये पीएम श्री योजना में बताया गया है। उसके बाद में टाइम टू टाइम एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट भी किया जाएगा, ताकि पता किया जा सके कि भाई क्वालिटी कैसी, स्कूल की पढ़ाई की चल रही है, अकेडमिक ईयर कैसा चल रहा है, है ना। तो एनईपी के अकॉर्डिंगली इसको किया जाएगा, तो ये बात है जो कि इसके अंदर बोली गई है, समझ गए मेरी बात। हमारे देश में दोस्तों 25 करोड़ विद्यार्थी है जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें से 13 करोड़ है जो कि आपके एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 12 करोड़ आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो 25 करोड़ विद्यार्थी और 1 करोड़ के आसपास टीचर है। तो देखा जाए तो वैसे रेशियो तो ठीक है, अगर ओवरऑल कंट्री का देखा जाए 25 बच्चों पे एक टीचर है, लेकिन क्या ये मिसमैनेज बहुत है, हर स्कूल में कहीं रेशियो बहुत कम है, कहीं पर बहुत ज्यादा है, है ना। तो 1 करोड़ के आसपास टीचर है और 15 लाख के आसपास आपको स्कूल्स है जो कि हमारे देश में जो है वो देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट ज्यादा ही है, मतलब सरकारी स्कूल्स भी, ठीक है। सरकारी स्कूल डबल है लेकिन उनमें स्ट्रेंथ बहुत कम है, प्राइवेट स्कूल कंपैरेटिवली आधे हैं सरकारी स्कूल से, लेकिन स्ट्रेंथ वहां पे बिल्कुल बराबर ही है सरकारी स्कूल के बच्चों की। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हो गया पीएम स्कॉलरशिप फॉर राइजिंग इंडिया, ये यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा है शैलेंद्र सिंह ने, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है इसकी फुल फॉर्म, है ना, गलत मत करना, पेपर में पूछेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पेज नंबर 10 तो ये हमने चर्चा कर ही लिया इसके बारे में, यहाँ पे इसके ये एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो आपने फील्ड मेडल्स के बारे में सुना होगा, मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा अवार्ड है जो कि मिलता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो देती है वो है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन IMU। तो IMU ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो उनकी हेड है दोस्तों वो कौन है, सलोनी है। तो सलोनी जो है ये इंडिया की है और 200 फाउंडिंग मेंबर है इसके ऑर्गेनाइजेशन के, पहली प्रेसिडेंट है जो कि सलोनी को बनाया गया। ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस है चेन्नई में, उसकी वहां पे प्रोफेसर और नंबर थ्योरी के अंदर बहुत अमेजिंग काम करती है। इसके अलावा इनके जो डिप्टी है वो न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया से जो है वो बनाए गए हैं। तो इतनी सी बात है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 12 की, यहाँ पे बात करेंगे कोल प्लांट के बारे में, है ना। इसके अलावा जो बेचारे हमारे कई सारे विद्यार्थी है जो कि यूक्रेन में मेडिकल करने गए थे, अभी वापस लौट आए, तो अभी उनका कुछ अता पता नहीं है। यूक्रेन में तो लड़ाई चल रही है, अब उनकी मेडिकल कैसे होगी, कौन से देश से होगी, यहाँ से होगी, कहाँ से होगी, वो बहुत बड़े चिंता के अंदर का है, तो इसलिए थोड़े प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, कोल प्लांट के बारे में। देखो क्या होता है, जो हमारे थर्मल कोल प्लांट है ना, इनमें से SO2 जो है वो बहुत ही खतरनाक निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल आपकी बॉडी में जाएंगे, आपको लंग्स को खराब करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करेंगे। दुनिया में 5% डेथ जो है उसका कारण भी दोस्तों यही है, ठीक है। 2-3 लाख लोग हैं जो कि दुनिया में SO2 की वजह से चले जाते हैं। तो यूनियन जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने दोस्तों तीसरी बार जो है ना वो डेडलाइन है जो कि एक्सटेंड कर दी है कोल प्लांट के लिए। कोल प्लांट के लिए एक प्रावधान है जो कि चाइना ने इंप्लीमेंट किया था कई सालों पहले, जिससे चाइना बहुत आगे निकल गया, बहुत इन्वायरमेंट कंट्रोल, मतलब उसके वहां पे SO2 का जो लेवल है वो कंट्रोल हो गया। उसने क्या किया है ना, उसने जितने भी कोल प्लांट है यहां पर एक फ्लू SO2 एक सिस्टम है जो कि यूज होता है वो लगाते हैं। उससे क्या होता है, SO2 को जो पार्टिकल है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है, समझ गए। अब इस वजह से हमने भी ये सोचा कि यार हम भी इसको इंप्लीमेंट करें ताकि हमारे यहाँ पे भी कंट्रोल हो जाए। तो कंट्रोल करने के लिए 3 बार डेडलाइन दे चुकी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, और तीनों बार जो है वो डेडलाइन पास हो गई। कोल वाले लोगों ने, कोल पावर प्लांट वाले लोगों ने कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर। तो यहाँ पे थर्ड टाइम है जो कि डेडलाइन एक्सटेंड करी गई है पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज को रिड्यूस करने के लिए, एमिशन स्टैंडर्ड्स को। इसकी वजह से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो आपके क्लीन एनर्जी के जो एक्टिविस्ट हैं उनका दिमाग खराब हो रहा है कि चल क्या रहा है, बार बार आप एक्सटेंड कर देते हो, कुछ करते क्यों नहीं हो इन लोगों का जो कि इतना पॉल्यूशन है जो कि फैला रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मरकरी, ये सब जो है आपको कोल पावर प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले 2015 में बोला गया कि 17 तक इनको एंड करना है ना। इन सबको यहाँ पे जो है ना कुछ इक्विपमेंट है जो कि यूज करने पड़ेंगे जिससे ये कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। उसके बाद डेडलाइन को 2020 किया गया, उसके बाद 2021 किया गया, अब मिनिस्ट्री के द्वारा 2025 तक का दोस्तों टाइम है जो कि दे दिया गया है। NCR के जो 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है उनको तो 2024 तक का डेडलाइन दिया है, और बाकी जगह पे 2025 तक का डेडलाइन है जो कि दे दिया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन करके इक्विपमेंट है जो कि यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा पेपर में पूछेंगे, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन ये एक इक्विपमेंट है जो कि यूज किया जाता है जो कि डाइल्यूट कर देता है जो आपके SO2 है एयर के अंदर उनको रिड्यूस कर देता है। तो मल्टीपल टाइमलाइन के हिसाब से इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया था, समझ गए मेरी बात। तो PM2.5 जो पार्टिकल्स है ना उसके प्रोडक्शन के अंदर भी SO2 का बहुत बड़ा रोल होता है, ओके। सल्फेट का फॉर्मुलेशन जो है वो होता है। तो कई सारे NGOs कई लोगों के द्वारा बोला गया कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। सिर्फ 4% हमारे कोल पावर कैपेसिटी के प्लांट है जिन्होंने इस इक्विपमेंट को लगा रखा है। 41% ने बोला है कि हमने इक्विपमेंट के लिए ऑर्डर कर रखा है। 50% ने तो अभी तक कुछ किया है भी नहीं है सर, क्योंकि उनको मालूम है ना कि कुछ होना जाना तो है नहीं समझ गए। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है जो कि आया है, आप देख सकते हैं इसको, FGD है जो कि कहते हैं, है ना। हमारी सिटीज वर्ल्ड की टॉप 10 के अंदर दुनिया की 7 सिटीज हमारी है जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है जो कि मानी जाती है। जो लिमिट है उससे डबल के आसपास SO2 है जो कि निकलता है, और इनफैक्ट रशिया जो है ना वो हमसे आधे नंबर के ऊपर है, जो सेकंड नंबर के ऊपर है SO2 प्रोडक्शन के अंदर। 75% कंट्री के अंदर कोल पावर प्लांट से चल रहा है, 80% जो इंडस्ट्रियल इमिशन सल्फर और नाइट्रस का ऑक्साइड का जो होता है उससे लंग डिजीज है जो कि आपको लंग्स के डिजीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक और हेल्थ दोनों के लिए जो है बहुत ही नुकसानदायक है। चलिए और बाकी तो कुछ खास नहीं है। 2005 के अंदर बोला गया था सबसे पहली बार, चलो। और सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो आपका क्या है, पावर प्लांट ही है ना। जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या, पावर प्लांट ही है, समझ गए। तो पेपर में पूछेंगे आपसे कि सबसे बड़े सोर्स के बारे में, तो ध्यान रखिएगा हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको सांस लेने में जो है वो काफी डिफिकल्टी होती है, अस्थमा होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आप देख सकते हैं 4.2 मिलियन डेथ, 42 लाख दुनिया में जो डेथ होती है दोस्तों ग्लोबली वो इसी के कारण है जो कि होती है। इंडिया के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड के नंबर्स की बात करूं दोस्तों, तो हमने 2018 से 2019 में 6% का रिडक्शन किया, ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद में हम लोग कुछ ज्यादा है जो कि इसके अंदर नहीं कर पाए। आज भी दुनिया में हम सबसे बड़े इमिटर है जो कि SO2 के माने जाते हैं।
हमारे यहाँ पे 8 ऐसे पोल्यूटेंट है जो कि इंक्लूड करे जाते हैं जिनको रिड्यूस हमें करना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर ही 8 ऐसे पैरामीटर से पेपर में पूछते हैं कि 8 कौन से हैं कौन से नहीं है, है ना। तो 8 पोल्यूटेंट में PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB। PM2.5, PM10 का मतलब होता है छोटे छोटे से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने छोटे छोटे से एयर के पार्टिकल्स है, है ना, माइक्रोग्राम। ओके चलिए, अब इससे लेकर दोस्तों आपके कई सारे एग्जाम में सवाल भी पूछे जा चुके हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज की बात करें, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के कंसर्न के बारे में बताया गया। अब कोई भी प्लांट होता है इस प्रकार का तो SO2 का ही प्रोडक्शन करता है। तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, जो कि गलत हो गया। ये सारे प्लांट जो है वो मेजरली SO2 का ही करते हैं। तो पहला गलत हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर निकल गया सेकंड और थर्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है, सेकंड थर्ड मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, एक और सवाल पूछा गया फर्नेस ऑयल को लेकर, है ना, जो कि आपकी ऑयल रिफाइनरीज होती है ना उसके अंदर, तो ये ऑयल रिफाइनरीज प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल सही है, पावर जनरेट करने के काम आते हैं और उसमें से भी सल्फर इमिशन इन्वायरमेंट में होता है, तीनों ही बिल्कुल सही है। तो ये आपका डी आंसर हो गया, समझ रहे हो। एक टॉपिक क्लियर होते कितने सारे आंसर है जो कि आपके एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट निकालने लग जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कई सारे, है ना। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, अगर शेयर नहीं किया तो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे। चलो आगे बात करते हैं, हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे वो हमारे यहाँ पे एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जो हो रहा है बास्केटबॉल का, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि फीफा का अंडर 18 हमारे यहाँ पे जो टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, उसी प्रकार से फुटबॉल की तो बॉडी फीफा है और बास्केटबॉल की जो सबसे बड़ी बॉडी है उसको फीबा कहते हैं, FIBA। तो फीबा अभी क्या करवा रहा है, एशियन वुमेन अंडर 19 बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है ना वो हमारे बेंगलुरु के अंदर हो रही है। कल हमारा मैच भी था ऑस्ट्रेलिया से था, ऑस्ट्रेलिया तो बास्केटबॉल में चैंपियन ही है, हम लोग हार गए। कल हमारा मैच, परसों मैच था ऑस्ट्रेलिया से, कल हमारा मैच था मेरे ख्याल से कल एक और टीम से था, कोरिया से था, साउथ कोरिया से, तो साउथ कोरिया से भी हम लोग हार गए क्योंकि हमारे बास्केटबॉल की टीम उतनी अच्छी नहीं है। और कल चाइना जो कि एक एशियन सबसे बड़ी पावर माना जाता है बास्केटबॉल में, उसको चाइनीज ताइपे ने हरा दिया। पहले राउंड के अंदर बहुत पीछे थे, दूसरे वाले के अंदर थोड़ा लीड बनाया, तीसरे वाले के अंदर तो एकदम जो है ग्राउंड कोर्ट के ऊपर एक बहुत फायरिंग ही कर दी, मतलब चाइनीज ताइपे की जो गर्ल्स है उन्होंने अंडर 18 ने, और चाइना को यहाँ पे हरा दिया। तो ये यहाँ पे बताया गया दोस्तों। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। तो इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे अकाउंट NPA हो गए हैं, है ना। कई अभी आपको मालूम है ना कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत कई लोगों को जो है पैसा दिया गया था कोविड में, तो 6 MSME में से 1 MSME जो है वो डिफॉल्टर बन गई है। तो सरकार के ऊपर ये भी काफी बड़ा बर्डन आ गया, नियर बाय 1.5 लाख करोड़ के अकाउंट जो है वो क्या हो गए, NPA है जो कि हो गए हैं, ये भी बताया गया। अमाउंट भी बहुत ज्यादा यार, अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट जो है वो कोई 11,000 करोड़ के आसपास का है और 1.5 लाख ऐसे अकाउंट है जो कि NPA हो गए, है ना। चलिए और फ्रंट पेज की बात करें, कुछ खास नहीं है यहाँ पे दोस्तों, ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली नया कैबिनेट है जो कि बना है यूके का, यूके के अंदर नए मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हमेशा नए मिनिस्टर्स भी आते हैं उनके कैबिनेट के अंदर। तो इस बार जो है 2 लोगों को इंडियन ओरिजिन को इंक्लूड किया गया है जो कि पेपर में पूछते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेवरमैन है, ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर है जो कि न्यू कैबिनेट में शामिल हुई है। एक तो ब्रेवरमैन है और एक आलोक शर्मा है, समझ गए मेरी बात। तो ये भी कैबिनेट के अंदर है, पहले होम सेक्रेटरी का न्यू रोल है जो कि इनको दिया गया है। उसी प्रकार से आलोक शर्मा की बात करें तो पहले UN का जो क्लाइमेट चेंज का जो मीटिंग हुआ था ना आपके COP26 के अंदर, उसके अंदर प्रेसिडेंट एक्चुअली यही थे। ओके, तो इनको क्लाइमेट का वर्क है जो कि दिया जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रोल है, प्रीति पटेल ने रिजाइन कर दिया है और अभी यहाँ पे ब्रेवरमैन मैन जो कि आगे नाम से तो खैर आपको लगने का नहीं लेकिन है इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है जो कि है अनुपमा को लेकर। अनुपमा दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके बैडमिंटन के अंदर, जूनियर्स के बैडमिंटन के अंदर World No. 1 रैंक जो आज के टाइम पे है वो अपनी एक इंडियन गर्ल है अनुपमा उपाध्याय, वो 2nd इंडियन बन चुकी है शटलर इन अंडर 19 कैटेगरी जिन्होंने सिंगल कैटेगरी में वर्ल्ड में टॉप रैंक जो की हासिल करी है। 17 साल की है, पंचकुला की, और जूनियर इंटरनेशनल टाइटल युगांडा पोलैंड सब जगह पे इन्होंने जीता, और ठीक है, और साथ में दूसरी पोजीशन पे भी इंडियन से तस्नीम करके वो 2nd पोजीशन पे फर्स्ट के ऊपर ही है। तो मतलब इससे ये चीज दिखती है कि आने वाले टाइम पे भी बैडमिंटन के अंदर हमारे पास और भी कई सारे टैलेंटेड लोग हैं जो कि इंडिया का काफी नाम करेंगे। जनसत्ता की बात करें तो जनसत्ता के अंदर फ्रंट पेज पे तो कुछ खास नहीं है,
नेक्स्ट यहां पर दोस्तों एक नया एक आर्टिकल एक पूरा फोटो आया अखबार में, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। हालांकि मैंने इसको मैंने कल कवर करवा दिया था वैसे एक दो दिन पहले, जब हमने बात करी थी कि हमारे भारत बायोटेक ने भी क्या किया है ना, वैक्सीन जो है नाक से लेने के लिए जो है वैक्सीन है जो कि हमने एक इंट्रोड्यूस करी है, तो वही दिखाया गया है। तो दुनिया में अभी दो ऐसे वैक्सीन है जिनको उनके कंट्री के द्वारा अप्रूवल मिला है, नेजल वैक्सीन है ना, आप नोज के थ्रू भी ले सकते हो। पहली तो है कॉनविंडिशिया, ये जो है ना ये चाइना के द्वारा बनाई गई है, दुनिया की पहली है ना, कैसिनो बायोलॉजिकल्स करके कंपनी उनके द्वारा बनाई गई है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे इनकोवैक करके है जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है। दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, कंट्री ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर है जो कि हमने इसको बनाया है दोस्तों, ठीक है गाइस। और ये काफी बड़ा गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि अभी आपको बार बार इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, आप नोज से भी ले सकते हो, तो क्या होगा डोजेस भी बढ़ जाएंगे, लोग टाइम टू टाइम ले सकेंगे। तो कोविड को हराने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी और ये बहुत अच्छी वैक्सीन है जो कि इंट्रोड्यूस हो गई है ना। हमारे यहाँ पे नियर बाय 2 बिलियन डोज लग चुके हैं और नियर बाय 1 बिलियन लोगों ने, 100 करोड़ लोगों ने अभी तक जो है लगवा लिया है। और इससे बेटर लंग प्रोटेक्शन मिलेगी, वायरल की एंट्री जो है वायरस की एंट्री बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि हम लोग नोज से ले रहे हैं इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदाड़ो को लेकर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों, बहुत ही ब्रिलियंट साइट है मोहनजोदाड़ो, आपने पिक्चर भी देखी होगी है ना। देखो क्या था कि 2350 से लेकर, देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा टाइमलाइन समझाता हूं। ये हमारी दोस्तों टाइमलाइन है, ठीक है, हमारी इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन है। ये जीरो है, आज हम लोग कहां पर है 2022 के अंदर है, 2022 साल पहले जीरो था, अभी इसको हम लोग बोलते हैं एडी एना डोमिनी, और इससे पहले के बोलते हैं बीसी बिफोर क्राइस्ट, ये क्रिश्चियन कैलेंडर है, इसके हिसाब से जीरो के अंदर बर्थ हुआ था क्राइस्ट का, बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। पहले वाले टाइम को बीसी और आने वाले टाइम को एडी कहते हैं, एना डोमिनी है ना और बिफोर क्राइस्ट, ओके। तो अगर मैं 2022 साल पीछे चले जाऊं तो जीरो पे आ जाऊंगा, और अगर मैं 2000 साल पीछे चले जाऊं 2350 बीसी में चले जाऊं, यानी कि टोटल कितना हो गया 2000 ये और 2350 ये, नियर बाय 4372 ईयर्स, अगर ये इतना साल का इतिहास है हमारा, इसको बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री, जिसका हमारे पास 100% प्रूफ है, जिसको कोई दुनिया में डिनाई कर ही नहीं सकता, मतलब समझ गए मेरी बात। तो इतने साल पहले अगर आप मान लीजिए चले जाते हैं तो हमें पता है क्या देखने को मिलेगा, हमारे जस्ट आगे की तरफ पाकिस्तान की तरफ कई सारी सभ्यताएं देखने को मिलेगी, जिसमें से हमारे मोहनजोदाड़ो दोस्तों एक सिटी थी जो कि बहुत ही ब्रिलियंट थी 4500 साल पहले भी, मतलब हम लोग जो है अर्बनाइज्ड लोग थे उस जमाने के अंदर, है ना, प्रॉपर तरीके से स्ट्रीट थी, प्रॉपर घर थे, ड्रेनेज फैसिलिटीज थी, लोग बैंगल्स बनाने आते थे, लोगों को खेती बाड़ी करना जो है वो थोड़ा बहुत आया करता था, है ना, बहुत, और जात पात कुछ होती नहीं थी, सब लोग इक्वलेंट थे, सिर्फ दो पार्ट में रहते थे, एक अपर सिटाडल और एक लोअर सिटाडल, वो था बस एक, इसके अलावा कोई भी जो है किसी प्रकार से भेदभाव नहीं था, बहुत ही अमेजिंग दुनिया थी मतलब जो कि उस टाइम पे बनाई गई। तो 2350 से लेकर 1750 बीसी तक की दोस्तों ये दुनिया थी, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कि कहते हैं, ये टाइम पीरियड का था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ओके। दुनिया में उस टाइम पे चार ही सभ्यताएं हुआ करती थी, मेसोपोटामिया, चाइनीज, इजिप्शियन और इंडस वैली। इंडस वैली उसमें पूरी दुनिया में सबसे आगे थी, हम लोग जो है वो डेवलपमेंट बहुत डेवलप थे, हम लोग पीछे आए, आगे नहीं गए, हम लोग पीछे की तरफ आ गए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इस वाले एरिया में कई बार फ्लडिंग हुई, कई बार क्लाइमेट चेंज हुआ, और फ्रिक्वेंटली 17 बार फ्लडिंग हुई। फ्लडिंग होने की वजह से सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई। उसके बाद 1500 बीसी के अंदर वापस से दोस्तों कुछ लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए, जिनको बोला गया आर्यंस, और फिर उन्होंने हमारे यहाँ पे कई सारी किताबें लिखी, और फिर आगे के इतिहास हम लोग कभी आगे पढ़ेंगे। चलिए तो हम मैं बात कर रहा हूँ इस वाले टाइम पीरियड की, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, आपके लोथल, धोलावीरा, ये सारे के सारे सिटीज है जो कि हुआ करती थी, समझ गए। और अभी रिसेंटली क्या हो गया कि बहुत ज्यादा बारिश आने की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज है जो कि इस एरिया को हो गया है ना। जब यहाँ पे खुदाई हो रही थी ना रोड बनाने के लिए, तब बीच में पता लगा कि यहाँ तो पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, ओके। 1921 के टाइम की बात है, आरडी बनर्जी साहब थे जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, तो वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था रेलवे का, रोड का, तो देखा कि नीचे कुछ सामान निकला, खोदने लगे तो पूरा का पूरा शहर ही निकल के आ गया नीचे से, तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, है ना। चलिए ठीक है, तो पाकिस्तान डिपार्टमेंट ने बोला है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है ये छीना जा सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंट फ्लडिंग की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, और इसकी जो वॉल्स है
और जो प्रोटेक्शन था जो हमने दे रखा था ना वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो काफी नुकसान हो रहा है, तो हम लोग इसको बचा नहीं पाएंगे, हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो अभी क्या होगा, यूनेस्को और बाकी कंट्रीज थोड़ा बहुत पैसे देके बोलेंगे बचाओ भाई इसको, तो बचाओ, एक दो चीज तो है पाकिस्तान में, है ना, उसको भी नहीं बचाओगे तो कैसे काम चलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे मुनीर स्तूपा जो है, यहाँ पे ग्रेट बात है, इनसे ये सब जो रुइंस है ना ये बैडली अफेक्ट हुआ है नेचुरल डिजास्टर की वजह से, उसके वजह से हो सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट से भी जो है इसको निकाल दिया जाए। तो अथॉरिटीज को बोला है कि भाई इसको अर्जेंट अटेंशन दो और इसको कंजर्व करो, रिस्टोर करो और यहाँ पे वापस से काम चलाओ। तो मोहन, जो अगर ये जो पूरा एरिया बात करूँ ना, तो ये काफी बड़ा एरिया है, मतलब बलूचिस्तान से लेकर हमारे हरियाणा हिसार में जो राखीगढ़ी है जो कि सबसे बड़ी साइट मानी जाती है इंडस वैली की, इतना बड़ा एरिया के अंदर आपको देखने को मिलती है, समझ गए। चलिए, लोथल और धोलावीरा गुजरात में है, कालीबंगन आपके राजस्थान में है, और आरडी बैनर्जी के द्वारा 1922 के अंदर इसके बारे में पता किया गया। बहुत ही अमेजिंग टाउन प्लानिंग है यार, यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लोग थे, बहुत ही टैलेंटेड लोग थे, है ना। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवेज सिस्टम, टॉयलेट्स, ओके, बैंगल मेकिंग, पोल्ट्री मेकिंग, ये सब आपके जो मटका वटका बनाना है ना, मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग, ये सब के सब जो है इनको उस जमाने में आया करता था, समझ गए मेरी बात। पूरी दुनिया में आज के टाइम पे कितने 1000 से भी ज्यादा ऐसी साइट्स हैं दुनिया के, 167 1100 साइट्स हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जिनको स्टेटस मिला हुआ है, जो दुनिया के 167 कंट्रीज में से। हमारे यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पे टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जिसमें देश के सारे बड़ी बड़ी साइट तो है ही। हड़प्पा सिटी जो धोलावीरा की है गुजरात में, उसको 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस है जो कि मिला था। रमप्पा टेम्पल है वो 39 थी, कंचनजुंगा नेशनल पार्क सिक्किम जो थी वो फर्स्ट और ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि नेचुरल कल्चर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करें तो सवाल भी आ चुका है इंडस वैली से संबंधित दोस्तों, है ना, जैसे कि पहला स्टेटमेंट था कि जमाने में पैलेसेस हुआ करते थे और टेम्पल्स हुआ करते थे, होते थे क्या इंडस वैली के टाइम पे? नहीं, इंडस वैली के टाइम पे दोस्तों कोई भी टेम्पल्स नहीं थे। टेम्पल्स क्यों बने? टेम्पल्स बने आपके 15वीं शताब्दी के बाद में, 15th सेंचुरी में, जब उस जमाने में आर्यंस को मालूम था यार कि ये लोग है ना इस तरीके से ध्यान नहीं लगाएंगे, है ना, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन वैसे बहुत ज्यादा बाद में हुआ है वैसे तो खैर, लेकिन इसकी स्टार्टिंग इसलिए हुई थी क्योंकि लोग जो है वो शांति से बैठ सके और कनेक्शन कर सके, मेडिटेशन कर सके, घर में काम वाली जगह पे आप ध्यान नहीं लगा सकते हो, तो एक ऐसी जगह बनाई गई जहां पे आप अपने गॉड को, आप अपनी यूनिवर्सल पावर को जो है उनसे आप शांति से बैठ के कनेक्शन कर सको, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप अपने मन में क्या चल रहा है, सही गलत उस चीज को देख सको। मंदिर में आपने देखा होगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पर भी जाओगे तो वहां पर अलग ही लेवल की शांति होती है वैसे, है ना, बहुत आपको पॉजिटिव वाइब्स आपको देखने को मिलेगी, है ना, बहुत शांति रहेगी, पॉजिटिव वाइब्स रहेगी। अगर 10 मिनट कभी आप जाके बैठोगे, मुझे गए हुए घर बहुत टाइम हो गया, वो बात अलग है, लेकिन इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन लोगों ने बाद में क्या किया, पर्सनलाइज उसको भी कमर्शलाइज कर दिया, उसको भी जो है अलग लेवल पे ले गए, तो जो प्राइम मोटिव था वो खत्म हो गया है, समझ गए। चलिए, तो ये तो प्लेसेस टेम्पल्स तो थे नहीं उस टाइम पे, मेल और फीमेल डाइटीज की वर्कशिप होती थी इंद्र गॉड की, और भी इंद्र गॉड तो खैर बाद में आए थे आपके ऋग्वेद के टाइम पे, लेकिन शिवा है ना जो सील मिली हुई है उस जमाने की, उसमें शिवा गॉड है, गॉडेस भी है, और कई सारे ऐसे है ना घोड़े भी जो है उनके भी वो मिले, ऐसे स्कल्पचर्स मिले हुए हैं। तो ये सब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट। देखो पहला वाला तो गलत हो गया, तो ये गलत और ये गलत, सेकंड वाला सही है। ये वाले भी जो है ना हॉर्स ड्रॉन भी जो है ये भी बहुत बाद में मिले हैं, ये भी आपके आर्यंस के टाइम पे मिले हैं, तो ये बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, समझ गए। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। वेस्ट एक न्यू आई स्टेम इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है। देखो भाई वेस्ट कुछ भी नहीं है, वेस्ट का मतलब है वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे स्टेम टेक्नोलॉजी होती है ना साइंस, है ना साइंस के लिए, उसी प्रकार से वेस्ट का मतलब है वुमेन को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग इसमें साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के अंदर, ताकि वो आगे आके पीएचडी कर सके, स्कॉलर्स बन सके, रिसर्च के अंदर आगे बढ़ सके। तो इसीलिए दोस्तों ये आई स्टेम इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है ना, और एम्पावर कर सके महिलाओं को आगे आ सके। तो कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे रिसर्च के अंदर फैसिलिटीज में, यहाँ पे ऑटोकैड में है ना, मैटलैब में, कॉमसॉल में, इनमें इंक्लूड करने के लिए बोला गया है। एक डिजिटल कंसोर्टियम बनाया गया है कनेक्ट क्विकली करके, ऑनलाइन डिस्कशन होंगे यहाँ पे, सपोर्ट दिया जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म के ऊपर, डेडिकेटेड वुमेन की टीम होगी जो कि वेस्ट इनिशिएटिव के ऊपर काम करेगी। ऑल राइट गाइज, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मिलेंगे वापस से कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।
और मिलेंगे वापस से कल, ठीक है? थैंक यू, सॉरी कल नहीं मिलेंगे क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है, आई एम गोइंग टू केरला फॉर फ्यू डेज, एक दोस्त की शादी है वहां पे 12 सितंबर को, तो कल 9 है ना, तो हाँ 9 से लेकर 13 तक जो है मैं वहीं पर ही हूँ, आई एम इन केरला, तो कल की क्लास नहीं हो पाएगी, परसों की क्लास तो मैं फिर आपको वैसे कर लूंगा, मतलब पेन टैप से कर दूंगा परसों से क्लास, तो अपन है ना परसों से क्लास कंटिन्यू कर लेंगे, कल की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी क्योंकि कल सुबह मेरी फ्लाइट है, तो मैं इसलिए कल की क्लास आपको नहीं दे पाऊंगा, है ना, बोल देना सबको। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।